अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आज की वीडियो में एक बेबी कट, ईद आने वाली है आप सबको पता ही, और सबको एक सिंपल बेबी कट सीखना है और देखना है, तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड टिल एंड तक आप सबको देखना पड़ेगा। और सारी चीज़ें इसमें मैं गाइड करती जाऊंगी वन बाय वन, लेकिन कुछ सवाल हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। तो सबसे पहले जो ना बेबी के बाल को अच्छे से वेट कर लेना है, और इसकी जो लेंथ है आप देख रहे हो बिल्कुल ही शॉर्ट हेयर है, बिल्कुल शॉर्ट हेयर। और आप लोग को पता है बेबी की जो हेयर कट करना है वो बहुत ही मुश्किल काम है, क्योंकि बेबियां जो हैं हमारी बिल्कुल सीधे नहीं बैठती, बच्चे बहुत मुश्किल से सीधे बैठते हैं, तो ये बच्ची बहुत अच्छी है। तो देखिए यहाँ पे जो इसका जो बैक साइड है इस पर मैं करने वाली हूँ स्ट्रेट हेयर कट। ये जो नेक दिख रहा है ना आपको, बिल्कुल नेक पे रखूंगी, सारे बालों को 0 डिग्री एंगल पे रखते हुए सारे बालों को इस तरह से मैं स्ट्रेट कट कर लूंगी। एक गाइडलाइन क्रिएट होती जाएगी आपके सामने, तो उसी गाइडलाइन की मदद से आपने सारे बालों को स्ट्रेट कट करते जाना है। कॉम को रखिए बिल्कुल स्ट्रेट, और उसके ऊपर एक सीजर चला दो, तो इससे जो होगा ना आपका हेयर कट बिल्कुल स्ट्रेट कट जाएगा, आपको बिल्कुल परेशानी नहीं होगी। ये 0 डिग्री एंगल कहलाता है, जो बिल्कुल ब्लंट कट कहते हैं ना, ब्लंट कट को बिल्कुल 0 डिग्री कहते हैं, ब्लंट कट भी उसी को ही कहते हैं। तो यहाँ आप देख लो किस तरह से मैंने ये बिल्कुल स्ट्रेट कट कर दिया है। अब आगे क्या करना है वो भी आपने देखना है। अच्छा, वीडियो पसंद आ जाए तो आपने लाइक और सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करना है, ठीक है। अब ये जो आगे क्या बाल देख रहे हो ना, ये एयर के बाल जो है मैं वो साइड पे करूंगी फ्रंट की तरफ, यानी कि सारे के सारे जो एयर्स के बाल होते हैं एयर टू एयर वाले बाल, वो हमारे चले जाएंगे फ्रंट पर, और जो बैक के बाल हैं वो आ जाएंगे बैक पे। तो ये बैक वाले बालों को मैं थोड़ा सा पीछे करते हुए बालों को कट करूंगी, और उसको मैं दूंगी राउंड शेप। बिल्कुल स्ट्रेट हेयर कट तो मुझे नहीं अच्छा लगता इस बेबी के लिए, तो उसको थोड़ा सा राउंड दूंगी ताकि प्यारी सी गुड 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 लगे, गोल गोल गप्पा लगे। तो गोल गप्पा बनाने की इसकी कोशिश है, तो गोल गप्पा बनाने के लिए हमने इसको थोड़ा सा पीछे से राउंड कट कर दिया। अगर आप चाहो तो नहीं भी करना तो नहीं करो, स्ट्रेट कट भी रख के कट कर सकते हो, सिंपल कट हो जाएगा। राउंड बनाना थोड़ा सा स्टार्टिंग में गर्ल्स को थोड़ी परेशानी होती है, तो आप उसको छोड़ देना, लीव इट, ओके। तो एयर वाले जो बाल है आप उसको, पीछे वाले जो मेरे बाल थे ना, उसको मैं गाइडलाइन की मदद से ना आगे के बालों को कट करूंगी। तो सबसे पहले जो ना मैं बॉक्स सेक्शन बनाने वाली हूँ। ये जो बॉक्स सेक्शन है ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। ये ऐसा ना सारे बालों को आप कट कर दो, बॉक्स सेक्शन बना लेना, और जो पीछे वाले बाल थे उसकी मदद से इसको कट करूंगी। स्लांट पे रखिएगा अपनी जो फिंगर है उसको, ये देख लो मैंने बॉक्स सेक्शन की एक पिक्चर भी लगा दी, और यहाँ देख लो मैं स्लांट पे रख रही हूँ अपनी कॉम को और कट कर रही हूँ, ठीक है। तो इससे क्या होगा, जो पीछे के बाल जो मैंने राउंड पे लिए थे, ये भी ऊपर से लेके बैक तक जो है वो राउंड पे चला जाएगा। यू शेप आपको पता है ना, तो यू शेप वैसे बनाने की कोशिश यहाँ पर मैं कर रही हूँ, ठीक है। पिक्चर भी मैंने आपको शो कर दी है, इस तरह इजी हो जाता है। इसी तरह दूसरे साइड पे भी मैं सारे बाल निकालूंगी। यहाँ इस बच्ची को बड़ी मस्ती लगी हुई है शूटिंग कराने में, लगी हुई है कह रही बस मेरी शूटिंग ही कर दो, वो शूटिंग की एक्साइटमेंट कट करवा रही है, ठीक है। तो यही मैंने यहाँ पे भी बिल्कुल वैसे ही किया, यहाँ पे एक बॉक्स सेक्शन बनाया और बैक वाले बाल से गाइडलाइन लेते हुए इसको कट करूंगी, और बिल्कुल एग्जैक्ट वैसे ही जैसे मैंने वो राइट साइड पे कट किया था, ठीक है। ये देख सकते हो आप, मैंने इसको फिंगर की मदद से होल्ड कर लिया और इसको कट कर लिया, बहुत ईजी हो गया मेरे जो फिंगर की मदद से कट करने में। दोनों तरीके आपको मैंने दिखा दिए कि आप कॉम से भी कर सकते हो, फिंगर से भी कर सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। आपका हाथ जिस पे सेट हो उस पर कर लेना। अच्छा, ये जो है अब दोनों साइडों से मैं अच्छे से चेक कर लूंगी कि कट कैसे बराबर है कि नहीं, तो कहीं पे भी बाल ऊपर नीचे छोटे मोटे हों तो उसको नीट कर लेंगे। और आगे वाले सारे बालों को, बॉक्स सेक्शन को, सबको मैं मिक्स करके आगे ले आऊँ, क्योंकि आगे से भी ये जो चोंचे हैं इसकी मैं उसको भी नीट करने जा रही हूँ। देखें ये जो गाइडलाइन थी ना मेरी, इसके साथ मैंने कट किया, इसको भी 0 डिग्री एंगल पे रखते हुए सारे बालों को कट करूंगी। बस यहाँ तक अगर आपके फ्रंट के बाल कट भी जाए ना, तो आपकी बेबी हेयर कट कंप्लीट हो जाता है। इसे मजीद आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, यहाँ तक भी आप स्टॉप कर सकते हो, लेकिन मैं बेबी को और थोड़ा सा अच्छा सा गुड लुकिंग बनाने के लिए गप्पे को तो जो है और मजीद कट करूंगी, देखते रहना। वो भी इसके अंदर मैं आपको बताऊंगी आगे क्या क्या करने वाली हूँ, ठीक है। यहाँ तक आप स्टॉप कर सकते हो, सिंपल हेयर कट कहलाएगा आपका बेबी सिंपल हेयर कट। अच्छा, अभी देखो मैंने दोबारा से बॉक्स सेक्शन बनाया, ये मैंने 90 डिग्री पे एंगल उठाया और इसको मैं कट कर दूंगी। इसमें मैं डाल रही हूँ थोड़े से स्टेप्स, ये थोड़े से स्टेप्स ना इस मेरी बेटी के जो बाल हैं ये थोड़े से उसको जो है ना गुड लुकिंग कर देगा, यानी कि थोड़े से वीवी लुक भी आ जाएगा। जब नॉर्मल से थोड़े से इसकी जो बाल की जब ग्रोथ होगी तो थोड़े से इसके अंदर वेव्स आएंगे, बहुत अच्छा लगेगा। अगर मैं इसको पॉइंटेड कट करती तो और भी मजे का लगता, लेकिन बच्ची ये जाहिर सी बात है इतनी देर वो बैठती नहीं है, कुछ ना कुछ करती रहती है। तो यहाँ मैं इसको स्ट्रेट कट करने जा रही हूँ, और सारे बालों को 90 एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा लेते हुए जितने मेरे हाथ में आ रहे हैं उससे मैं कट कर दूंगी। इसके बाद जो सेंटर यानी कि बीच में से आप मांग निकाल लो, दो पार्ट में कर दो, और उसका जो गाइडलाइन है देखिए, इसकी जो गाइडलाइन आपको नजर आ रही, हाँ, इसके साथ जो है मैं इसको कट करने जा रही हूँ ऐसे ही टक 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 करके। हाथ यहाँ पे मेरा बड़ा तेज चल रहा है ना, ये सिर्फ
आपको पता है मैंने वीडियो को फास्ट किया हुआ है, इतना हाथ तेज नहीं चलता, बहुत स्लो स्लो हाथ चलता है, वरना आप सब बोर हो जाओगे कि भाई वीडियो जो है इतनी मतलब बोरिंग हो रही है, तो वीडियो को फास्ट किया हुआ है, आप जो है हाथ को स्लो रखना वरना फिंगर जो है कट सकती है। ठीक है, अब देखो ये जितने भी सारे बाल हैं, ये सारे बालों को मैंने होल्ड करती गई और इसकी मदद से कट करती जा रही हूँ, सारे के सारे 90 डिग्री के एंगल पे कट हो रहे हैं, फ्रंट से लेती हुई जाऊंगी बैक तक, बैक से फिर आगे तक फ्रंट तक आऊंगी, तो ये सर्कुलर मोशन हेयर कट कहलाएगा। देख लिया, सही लग रहा है ना? और अगर सही लग रहा है तो ये लाइक का बटन नीचे नजर आ रहा है ना, उसमें लाइक भी कर दो, इतनी मेहनत करके वीडियो बनाई है। ठीक है गाइस, तो आप देखते रहो कि आगे के क्या होता रहता है, कि सारे बाल जो देखे मैंने नीचे ऊपर दोनों से पकड़ती जा रही हूँ, और 90 डिग्री के एंगल पे ये इसको मैं कट कर रही हूँ, और ये है मेरा सारा स्टेप कट। इसके अंदर थोड़ा सा मेरी बेटी के जो बाल है उसमें वॉल्यूम्स आने लगेंगे और थोड़ी अच्छी लगेगी, बिल्कुल सिंपल हेयर कट जो है उसमें बिल्कुल सूट नहीं करेगा। हाँ, इससे जो छोटे हेयर्स के होते हैं ना, 1.5 साल के 2 साल के, उसमें सूट करेगा, उनके बाल इतने यानी कि ग्रोथ नहीं होते, उसके बाल ग्रोथ हुए में तो अच्छा लुक आएगा। ठीक है, अब देखो मैं आ गई ना फ्रंट तक, कितनी जल्दी आ गई, इतनी जल्दी तो मेरे ख्याल से मैं रियल में भी नहीं आई थी, वीडियो में तो आ गई। खैर, तो यहाँ देखो कितना प्यार से मैंने इसके कट किए हैं, और बच्ची बड़ी सुकून से बैठी हुई है, कट करवा रही है, ऐसे ही बच्चे होने चाहिए कटिंग के लिए, वरना रो रो के माए का बुरा हाल कर देते, ना कट करने देते ना कैंची चलाने देते। ठीक है, तो मैं जो बहुत ख्याल रखती हूँ कि भाई रोते हुए बच्चों के कट ना करूँ, क्योंकि कोई भी शेप सही से कट नहीं होता। और आगे से देखो मैंने सारे बालों को एक दफा फिर से चेक कर रही हूँ, जहाँ से बड़े छोटे बाल थे ना, तो वो सारे जो है मैं कट कर दूंगी, नीट कर दूंगी, ताकि मेरे एक लुक अच्छी आ जाए, फिनिशिंग आ जाए, आराम से तसल्ली से कट करते रहना, वरना जो कटिंग खराब हो जाती, कटिंग जो का जो मामला है ना वो बड़ा सेंसिटिव होता है, बच्चों के एयर वेयर भी कट जाते, सीजर जरा ध्यान से रखते हुए चलाना है। ठीक है, तो सारे शेप को मैं फिर से चेक कर रही हूँ, जहाँ से भी बाल छोटा बड़ा लग रहा है उसको नीट कर लूंगी, और बाद में जो है इसको ब्लो ड्राई वगैरह लगा के अच्छे से इसको खुद तैयार करके आपके सामने इसका फाइनल लुक भी शेयर करूंगी। जरूर देखिएगा, वीडियो आपके काम की है। ठीक है, और जो मेरे चैनल पे पहले से सब्सक्राइब है उन सबका तहे दिल से शुक्रिया यारो, बहुत बहुत शुक्रिया तुम सब लोगों का, बस आगे और इसको शेयर करते रहो और अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ। ठीक है, तो यहाँ देखें मैंने जो है इसका बच्ची की जो है मोस्टली है ना पफ सेक्शन में अपने बाल रखती है, तो उसको जो है मैं जब पफ में कट कर रही हूँ तो उसके जो छोटे मोटे बाल जो आ रहे हैं ना उसको भी मैं एक बार फिर से नीट कर रही हूँ, क्योंकि पफ की तरफ जब सब बाल जाएंगे तो जाहिर सी बात है ऊपर नीचे हो जाएंगे, तो उसको जैसे हम पफ की साइड पे बाल रखते हैं तो उसको उसी सेक्शन में मैं जो है कटिंग करूंगी। आप भी याद रखिए, जिस बाल को आप जिस सेक्शन पे रखते हो उसी सेक्शन में हम कट करते हैं तो उसका लुक अच्छा आता है। मैं बिल्कुल इसी तरीके से इस वक्त यही काम कर रही हूँ। अब देखो ये हो गई है चंगी सी प्यारी सी तैयार हो गई है, मुझे पंजाबी नहीं आती लेकिन कोशिश कर ली थोड़ी सी बोलने की। है, तो यहाँ जो है देखे बच्ची जो है बहुत प्यारी सी नीट सी हो गई है, लुक अच्छा आ रहा है ना उसका, बस ये फाइनल स्टेप है ये मेरा। देख लिया, जहाँ जहाँ बड़े बड़े बाल थे छोटे बड़े थे उसको मैंने ब्लेंडिंग कर रही हूँ, जैसे आइसक्रीम ब्लेंडिंग वगैरह करते ना, ये सब भी सारा जो एंड में हो रहा है ना ये सब ब्लेंडिंग का काम हो रहा है और कुछ भी नहीं, सारे बालों को मैं अच्छे से मैंने ब्लेंड करे जा रही हूँ, सबकी चोंचे काटनी है, सारे बालों की चोंचे काटनी, बहुत बड़े हो जाते हैं यार, अभी गर्मी आ गई है बहुत शिद्दत से तंग करने वाले हैं, तो उनको थोड़े से काट ही लेते हैं ताकि इसको इरिटेशन थोड़ी कम हो, गंजी करा दूंगी तो ईद पे अच्छी नहीं लगेगी ना। 1, 2, 3, come on!